सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और फिलहाल क्रिप्टो बिटकॉइन ऊपर गया और उसके साथ ऑल्ट कॉइन भी काफ़ी ऊपर मूव करे। बट आपने अगेन एक चीज़ को लर्न किया होगा, इफ़ यू आर नॉट बुकिंग द प्रॉफिट कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट को बुक ही नहीं किया और सिर्फ देखते रह गए, यार बढ़ेगा, इतना पोर्टफोलियो दोबारा से मेरा बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन एट द एंड दोबारा से थोड़ा सा करेक्शन और सारे ऑल्ट कॉइन दोबारा से नीचे। इस चीज़ को सीख लो, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है और आप लोगों को बार बार प्रॉफिट बुकिंग करना सीखना पड़ेगा, अनलेस मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो जाए। मैंने आपको $46,000 का मार्क कहा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत अच्छा जोन हो सकता है हमारे लिए शॉर्ट एंट्री लेने का भी। उसी की रेंज के बिल्कुल पास $45,000 समथिंग के आसपास बिटकॉइन ने दोबारा से $45,600 के आसपास दोबारा से वहां से करेक्शन ली और $43,000 के आसपास हमारे को देखने को मिला है। बट इस दौरान बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर करेक्शन हुई और वही है एक और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा मैं आपसे 5 या 6 ऐसे कॉइन जहां पे हमारे को 10 से लेके 60-70% तक की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है प्रॉफिट बनाने की, बिकॉज उनके प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स अभी अभी उनको टोकन्स मिले हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज करेक्शन भी हुई और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को टोकन भी गए या उनका कोई इवेंट आ रहा है जिसके थ्रू वो टोकन्स बढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके। छोटी सी वीडियो होगी, डू सपोर्ट विद लॉट ऑफ लाइक्स। अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसके बाद मैं बहुत सारे ऑल्ट कॉइन, बहुत सारी चीज़ें एंड इनफैक्ट NFTs के ऊपर भी काफ़ी सारा काम करने वाला हूँ, सो दैट वी कैन ऑल टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट। जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे हम उससे फ़ायदा ज़रूर उठा पाए। चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लाइक बटन अभी के अभी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, पहला कॉइन जिसको मैं बताना चाहूँगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो है डार्क फ्रंटियर का डार्क कॉइन। अगर हम बात करें, अभी चल रहा है 0.30 सेंट्स का और ये गया था $1.82। और आपको याद होगा इस कॉइन ने हमारी प्रीवियस कॉल के बाद लगभग 2.5x के करीब प्रॉफिट दिया था। राइट नाउ अगर आप देखेंगे और हम देखते हैं 30 डेज के अंदर, तो 30 डेज के अंदर 0.50 से नीचे आ चुका है। इसको सबसे पहले चूज करने का रीज़न है, 24 आवर्स पहले इसके जो टोकन है वो रिलीज हुए हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, और मैं मानता हूँ ये 0.30 के करीब चल रहा है, 0.28 तक 0.27 तक शायद हमारे को एंट्री इसके अंदर लेनी बनती दिखाई दे रही है 10 से लेके 50% 100% तक का प्रॉफिट बनाने के लिए इन 30 डेज टाइम फ्रेम। यानी कि इसको हम लंबे टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं इन टोकन्स के ऊपर, छोटे टाइम के अंदर, बिकॉज अगर हमें एग्जिट नहीं किया तो अगले महीने दोबारा से अगले टोकन आ जाएंगे और वो हमारे को नुकसान दे सकते हैं अगर हम इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। तो हमारे को क्या करना है, 10%, 20%, 40%, 50%, 60% जहां पर भी आप सेटिस्फाई हो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज टोकन कल ही रिलीज हुए, उसके बाद थोड़ा बहुत डंप देखने को मिला और 0.30 के ऊपर काफी दिनों से स्टेबली चल रहा है और टोकन आने के बाद भी वहीं पे है, तो शायद एक न्यूज इवेंट भी इसके ऊपर आने वाले वक्त में दिखाई दे। दूसरा प्रोजेक्ट जिसके बारे में उसका नाम है, उसका बात करूंगा, उसका नाम है ट्राई हार्ड्स, जो कि अभी लगभग 25% के करीब फॉल पे था और मैं मानता हूं 0.07 या 0.75 के अंदर या अभी फिलहाल इसी रेंज के अंदर हमारे को इसके ऊपर एंट्री करनी चाहिए, बिकॉज इसके टोकन भी सिर्फ 24 आवर्स पहले आए हैं, 25-30% का फॉल हुआ है, कम्युनिटी सुपर डुपर एक्टिव है इसकी। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम पहले डार्क फ्रंटियर की एक जो चीज़ रहेगी उसकी बात करें, तो ये अवेलेबल है फिलहाल पैन केक के ऊपर, यानी कि डार्क को अगर आपको बाय करना है तो पैन केक के थ्रू करना है, gay.io के थ्रू करना है या BKEX एक्सचेंज के थ्रू करना है। gay.io के थ्रू करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे आपको दिया हुआ है, पैन केक के थ्रू करना चाहो तो आप सिंपली BUSD के थ्रू बाय कर सकते हो। सिमिलरली ट्राई हार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्राई हार्ट्स आया था VPAT के ऊपर, अगर आपको याद हो 92% का फॉल इसके ऊपर हो चुका है और अभी टोकन आए हैं और कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। $66,000 इनके जो है कम्युनिटी है। अगर हम इनके ट्विटर हैंडल पर जाए तो थोड़े टाइम पहले, आज से सिर्फ 24 आवर्स पहले, इन्होंने 15,000 लूट बॉक्स ओपनिंग ऑलरेडी, इसके ऊपर इन्होंने लूट बॉक्स का भी कंसेप्ट इन्होंने चलाया है और कम्युनिटी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आई डू बिलीव 10 से लेके 50% का गेन यहाँ पे एक दिन इंस्टेंटली देखने को मिल सकता है। मैं आपको रेंज कहूँगा 0.065 से 0.075 या अभी भी अगर आप एंटर करना चाहो छोटे अमाउंट से तो वो आप कर सकते हो,
क्योंकि गाड़ी कहीं हाथ से ना निकल जाए। लेकिन रेंज बेटर जो मेरे को दिखाई देती है वो 0.075 के अराउंड, 0.07 के आसपास दिखाई देती है। लेकिन अगर आप अभी का एंट्रा करना चाहो तो छोटे मोटे अमाउंट से फॉर श्योर कर सकते हो। ऑल टाइम हाई की अगर हम इसकी बात करें तो ट्राई हार्ट का ऑल टाइम हाई गया था 0.89 सेंट्स, 24 आवर्स पहले ही इसके भी टोकन आए हैं। थेटन अरीना जो कि चल रहा है $2.36 राइट नाउ, समझ लीजिए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो $1 के आसपास था, 1.60 सेंट्स के करीब था, $3 से ऊपर लगा, 2x मिला हमारे को लास्ट 14 डेज के अंदर थेटन अरीना के अंदर। थेटन अरीना के टोकन अभी लास्ट 10 दिनों से उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं मिले जो कि हर वीक मिलते हैं। तो अभी मैं मानता हूं आने वाले शायद 1 या 2 दिनों के अंदर इसके ऊपर टोकन मिल सकते हैं, और यहां पे जो 10% का फॉल है ये हो सकता है 25% का फॉल हो जाए, तो एंट्री आपकी बनेगी लगभग $2, 1.80 से लेके $2 के आसपास इसके ऊपर एंट्री बना सकते हो। छोटी मोटी एंट्री की बात करें तो वो अभी भी करी जा सकती है, तो इसके ऊपर नजर रखना अगले आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, बिकॉज यहाँ पे टोकन रिलीज हो सकते हैं और टोकन रिलीज हुए डम देखने को मिल सकता है और वहां पे हमारे को एक अच्छी एंट्री थेटन अरीना पे दोबारा मिल सकती है। फोर्थ टोकन जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है ब्लॉकटोपिया, जिसके टोकन रिलीज हुए अभी से जस्ट 24 आवर्स पहले। आपको जो वीडियो दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको मार्केट में शायद क्या 100% कोई भी नहीं देने वाला, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कितना फायदा दिला सकते हैं आप सोच सकते हो। प्राइवेट इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं और उसके बाद न्यूज इवेंट आता है, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट स्टेबल अगर रह जाती है तो यहाँ पे 10-50% का प्रॉफिट बनाना कोई बड़ा खेल नहीं रह जाएगा। ब्लॉकटोपिया के टोकन 24 घंटे पहले मिले, 24 आवर्स पहले 0.032 सेंट से 0.023 सेंट लग चुका है ब्लॉकटोपिया। अब इसका आप मतलब समझिए लगभग 45% नीचे आ चुका है अपने जो 3 दिन पहले इसका स्टेटस था। तो यहां पे दोबारा एंट्री लेके हम 0.10-20-30-40% की मूवमेंट भी इसके ऊपर देख सकते हैं। फिफ्थ टोकन जिसकी बात करूंगा उसका नाम है चुंबी वैली, जो कि $0.05 चल रहा है, 15% का इंस्टेंट फॉल आया है, अभी टोकन रिलीज नहीं हुए हैं बट बिकॉज मार्केट थोड़ी सी गिरी तो ये भी टोकन गिर गया। आई डू बिलीव इसके बाद इतनी पोटेंशियल है कि यहां से ये 20-30% की मूवमेंट आराम से कर सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। सिक्स टोकन जिसके ऊपर हमने किया था सीधा 3x, जैसे ही ये लिस्ट हुआ था जब मैंने आपकी इसको एंट्री दी थी, अब वहां से ये 80% नीचे आ चुका है। अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई से 95% नीचे है, लेकिन मैं कहूंगा इस टोकन के ऊपर क्योंकि केयू कॉइन पे ये भी अवेलेबल है, चुंबी वैली भी अवेलेबल है, ब्लॉकटोपिया भी अवेलेबल है, तो मेरे को दिखाई देता है कि ये टोकन के ऊपर फॉर श्योर आज नहीं तो कल एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। $0.03 के ऊपर मिल रहा है और मैं इसके ऊपर 50% का एक 1 स्ट्रेट डे के अंदर एक पंप जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कॉइन वेब के अंदर आने वाले दिनों के अंदर। कम्युनिटी क्योंकि इनकी बड़ी थी, फॉर श्योर उनका इसको फायदा जरूर मिलेगा, केयू कॉइन पे लिस्टिंग का फायदा जरूर मिलेगा कॉइन वेब को भी। तो ये 6 टोकन है जिनमें से 4 के ऊपर तो मैंने आपको बताया प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अभी टोकन मिले हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और अगर आपको अगर अभी थोड़ी सी हाई एंट्री लग रही है थोड़ा वेट करना है तो छोटी सी एंट्री ले सकते हो, छोटी सी एंट्री के ऊपर प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हो रेदर देन मिसिंग आउट द होल क्राइटेरिया होल प्रॉफिट एरिया रेंज। थोड़ी बहुत एंट्री लेके आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हो। स्टिल आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप किसी भी इन प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेते हो और आपको प्रॉफिट होता है लॉस होता है दोनों आपका है, सोच समझ के ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करिएगा और खुद की स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, मेरे कहने पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। मेरा काम है वो बताना जो कि मैं कर रहा हूं और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि क्रिप्टो के अंदर शायद बहुत ही कम लोगों के पास है, बिकॉज मैं खुद प्राइवेट इन्वेस्टर हूं तो मेरे को पता है क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और कहां पे मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता हूं, वही मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा दिलाएगी। थेटन अरीना के ऊपर अभी हमने रिसेंटली 2x किया है, वाइल्डर वर्ल्ड ने भी सिमिलरली बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, $1.6 का वाइल्डर वर्ल्ड भी चल रहा था, $2.3 तक चला गया था। हमने अभी थोड़ा टाइम पहले वंडर हीरो की बात करी थी, वंडर हीरो ने भी बहुत अमेजिंग प्रॉफिट दिया, 0.80 से 1.35 सेंट चला गया था और अभी भी 1.18 सेंट चल रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पे दिखाई थे, जहां पे लो कैप्स है, जहां पे न्यूज इवेंट है, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में आ रही है, वहां बनता है स्ट्रेट अवे शॉर्टकट में पैसा एंड प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म रेंज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे चैनल को बड़ा कर पाए जल्दी से, और अपना प्रीशियस कमेंट बॉक्स में ऐड करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।